मध्य प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में आदिवासी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने निरंकुश सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। डिंडोरी जिले में आदिवासी कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से ज्ञापन में मांग की है। धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष उमाशंकर सिंह राम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में आदिवासियों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और सीधे में जिस प्रकार की घटना हुई है उसके लिए हमारा समाज कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दुख और बहुत ही निंदनीय है ये जो है, उस इंसान के ऊपर नहीं, इस देश में, इस राज्य में करोड़ों करोड़ों लोग जो निवास कर रहे हैं, हम जैसे समझते हैं कि वो उस इंसान के ऊपर नहीं, वो संपूर्ण आदिवासी समाज के ऊपर पेशाब किया है और हम लोगों का जो सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है, जिसका हम पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में इस तरह के लोग दोबारा पैदा ना हो और इस तरह का कृत्य करने से पहले वो हजार बार सोचने के लिए मजबूर हो। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।